तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल भूख का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मेरा टाइम है, भागने की कोशिश मत करना, शराफत से सरेंडर हो जाओ। बोलो बोलो कौन है जिसे कुदरत का न डर, मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। बोलो बोलो कौन है जिसे कुदरत का न डर,
मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। मरने का जिसे डर न हो, दुनिया का जिसे खौफ हो, तेरे नाम की पूजा करते हैं, इस दुनिया से प्यार हम करते हैं। आज यहाँ का बच्चा भी बेखौफ हवा में जीता है, उन आँखों में ऐसी ज्वाला है, दुश्मन भी उनसे डरता है। बोलो बोलो कौन है जिसे कुदरत का न डर, मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। मरेगा हर दिशा में तेरी ताकत देख तुमको जग डरेगा, भारत की ताकत को ये संसार भी जानेगा, तेरी इस ताकत के आगे हर कोई झुकेगा, भारत की ताकत को ये संसार भी जानेगा, तेरी इस ताकत के आगे हर कोई झुकेगा। चांद सितारे तोड़ के लाने का है जमाना आज यही, हक की लड़ाई लड़ते हैं हम सब की नजर में है ये सही। चांद सितारे तोड़ के लाने का है जमाना आज यही, हक की लड़ाई लड़ते हैं हम सब की नजर में है ये सही। बोलो बोलो कौन है जिस कुदरत का न डर, मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। आकर देखना है जोश कितना, धरती माँ में शक्ति जितनी, दिल में तेरे दम हो उतना, कुछ भी चाहे हो जाए तू डर के मत जीना, जीत तुम्हारी होगी तुम ना पीछे कभी हटना, कुछ भी चाहे हो जाए तू डर के मत जीना, जीत तुम्हारी होगी तुम ना पीछे कभी हटना। आग में लोहा तपता है फिर हथियार वो बनता है, देश की उन्नति की खातिर एक नया इतिहास भी लिखता है। आग में लोहा तपता है फिर हथियार वो बनता है, देश की उन्नति की खातिर एक नया इतिहास भी लिखता है। बोलो बोलो कौन है जिस कुदरत का न डर, मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। बोलो बोलो कौन है जिस कुदरत का न डर, मुखिया सबका वही ये सबको है खबर। भगवान हर एक नवयुवक के जीवन में अनचाही घटना लाके खड़ी करता है, और क्या सही है क्या गलत है सोचकर जो इंसान फैसला लेता है उसके जीवन में खुशियाँ और शांति होती है। जल्दबाजी में जो फैसला लेता है उसका जीवन कैसा होगा उसका एक उदाहरण मैं हूँ। आज मेरे पास पैसा जायदाद और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे प्यार करने वालों से मैं बहुत दूर हो गया हूँ। उनमें खासकर मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाली मेरी वसंता है, वसंता जो मेरे लिए वरदान था। कॉलेज में नई नई आई है इसीलिए मेरे टेरर को नहीं जानती है, तू नई नई है इसलिए बच गई है। अब जा जा ना। ए, चलो।
लगता है बहुत देर से वेट कर रहे हो। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया है यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बढ़ाई मुझे पसंद नहीं है। इट्स माय ड्यूटी, मतलब कि फ्लाइट का आविष्कार करने वाला राइट ब्रदर्स और फ्लाइट में बाइक बदलने वाला ये टाइट ब्रदर्स। हाँ। देखा जाए तो हिंदुस्तान का नया भविष्य मेरे दिमाग के गोडाउन में पड़ा। अरे दे 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 दे, बहुत बड़ा आविष्कार किया तुमने। डोंट टच, कोई कुत्ता टकरा जाए या बिल्ली टकराए तो भी वही है, साइड में जाके खड़ा हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आ गया रे खुसक। गुड मॉर्निंग सर। देखा मेरा नया आविष्कार, पंख लगा रखे है। श्रीनाथ एरो बाइक है, किसी और की बाइक लाकर एरो बाइक लिख कर रखा है। ऐसी एक बाइक तैयार करके पब्लिक को डिस्टर्ब करके, ट्रैफिक को जाम करके, मेरे बदन की चमड़ी छील कर। अरे बात सुन। हा? सर मैं आविष्कार के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए ना, डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टेथोस्कोप के साथ आता। हा? है वकालत पढ़ने वाले गाउन पहनकर आते हैं, तो एरोनॉटिकल स्टूडेंट ऐसी बाइक पे क्यों नहीं आ सकते, ये मेरा सवाल है। अब मेरी बात सुनिए, मेरे इस सॉलिड दिमाग का अपनी काली जबान से कचूमर मत बनाना। मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करता हूँ। आपके जो मन में आए आप करिए, लेकिन मेरे दिमाग की वो मत करिए। तेरे दिमाग की ऐसी की तैसी, अपने हार्ट का जरा ख्याल रखना। क्यों क्या हुआ? इस साल हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज में 1560 नए छात्र आए हैं। आप थू? हमारे कॉलेज में मैथ्स डिपार्टमेंट में वसंता नाम की एक लड़की ने ज्वाइन किया है, चाहे कुछ भी कहो। अरे वाह। सर आप प्रिंसिपल हो, ये क्यों भूल जाते हो लड़की के बारे में? अरे वाह ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वाह बहुत बढ़िया पढ़ती है। इसलिए वाह। ठीक है, तुम में से कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, उसके पास जाकर अगर छेड़खानी की, चमड़ी उधर जाएगी, सबसे पहले तेरी उधड़ेगी। बी केयरफुल। ओके हट रहे। हमें कहीं मत जाना बोल के ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जाके घूमेगा और कौन कहाँ है नोट करके आएगा। सुनिए आप अभी तक क्या कर रहे हैं? आइए खाना खाते हैं। बेबी आ गई है क्या? बेबी, जब बेबी आएगी ना उसे झूले में डाल के झूला लेना। भला कौन से दिन वो जल्दी आई है? आने दो, उसकी खबर लूंगी। आप आइए बैठिए। ये क्या, काम खत्म करते घर चला जाना चाहिए ना, तुम समझती क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं, आपके सिवा इस संसार में भला हमारा और कौन है? वो सब तो ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बस बस, आप घुमा फिरा के क्या बोलना चाहते हैं मैं जानती हूँ। बेटी का सपोर्ट करके इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? क्यों लक्ष्मी, जवान लड़की अगर इतनी देर से घर लौटेगी तो हमें चिंता होगी या नहीं? जब तक वो नहीं आती ये नहीं खाते हैं, इनके खाए बिना तुम घर नहीं जाती हो। अब वो कब आएगी और तुम कब जाओगी? ए इधर आ। बच्ची पर गुस्सा मत होइएगा। क्यों री, तू कहाँ घूमकर आ रही है? वो माँ। क्या है वो बोल रही है? अरुण तेरे साथ ही कॉलेज गया था ना, वो सीधा घर आ गया ना, उसमें जो जिम्मेदारी है उसकी आधी भी तुझमें है। बात सुनो माँ, तुझसे कितनी बार कहा है दोनों को कंपेयर मत किया कर। मेरी बात सुनिए, मैं भी करोड़पति के घर से आई हूँ, लेकिन हमारे माँ बाप ने इसके जैसा नहीं पाला। उस लड़के को अरुण को देखिए कितनी जिम्मेदारी से पढ़ता है। माँ क्या हो गया है, रो क्यों रही हो? तेरे बारे में सोचकर ही। हमारे इस घर के मालिक मालकिन, उनकी बेटी वसंता, ये सब तेरे ऊपर कितना विश्वास रखे हुए हैं पता है? कोई भेदभाव समझे बिना एक नौकरानी के बेटे को खुद की बेटी के कॉलेज में एडमिशन दिलाकर आज पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, ये सब और कौन करेगा? अब छोड़ो ना माँ, क्यों ये सब सोच के आंसू बहा रही हो? बात वो नहीं है, उस दिन जब मालिक ने कॉलेज में तेरी फीस भर दी तो उस पल तेरे ऊपर उनका भी हक आ गया है। अब तेरे लिए मैं ना हूं तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ वही है। तू खूब पढ़ाई करके उनके विश्वास पर खरा उतरना। इस माँ का बस यही एक सपना है। इस साइज का कोई इंजन नहीं है, इसलिए इस छुटके को रोज एक बाटली खरीद के देखता हूँ और इसके सर पे रख के घूमना पड़ता है।
ए, अगर तुझे किताब चिपकानी थी तो मुझसे गोंद लेना था ना, मैं दे देता ना, उसके बदले पेड़ से क्यों? ए, मुझे गोंद नहीं चाहिए, तू चाहिए। यानी कुल मिला के तू कॉलेज में कुछ करना चाहता है? ए, मुझे तेरी जान चाहिए। तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे बराबर वाले से शक्कर मांग रहा हो। ए, मैं तेरा पड़ोसी नहीं, यहाँ का विलन हूँ। LKG में भी विलन था, स्कूल में भी मैं विलन था, इतना ही नहीं अब यहाँ कॉलेज में भी मैं विलन हूँ। ये बात है, जब तू LKG पढ़ रहा था तब ये हीरो था और अभी स्कूल पढ़ते समय यही हीरो है। इतना ही नहीं, अब कॉलेज पढ़ते समय भी सिर्फ यही है जो हीरो है। ए, उसका मेरे साथ क्या संबंध है? अभी जो तूने मेरा रास्ता रोका उससे क्या संबंध है? उससे संबंध है। ओ, कल जो नई लड़की ज्वाइन हुई है मेरे ग्रुप में, वसंता, अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया। ये क्या बे, ब्लड ग्रुप की तरह बोल रहा है? कल ही तो वो ज्वाइन हुई है, इतने में ही तेरे ग्रुप में आ गई। ए, तू लगता है बातों से नहीं मानेगा। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर। प्रिंसिपल आ गया इसलिए तू बच गया, वरना तेरा तो इसी प्रिंसिपल के चलते तू बच गया, वरना तू तो गया था। आओ अरुण, आओ अंदर आओ। इतने गुमसुम क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। मेरी बात अगर बुरी लगे तो गुस्सा मत होइएगा। मैं तुम पर कब गुस्सा हुआ हूँ? तुम वैसा कुछ करते नहीं, जो भी बात है बोलो। मुझे लगता है मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो नहीं है सर, मेरी और माँ की आपने बहुत सारी हेल्प की है जिसका एहसान चुकाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश से कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। कॉलेज में भी ज्वाइन हो गया हूँ, एक्स्ट्रा टाइम काफी है, उसे यूज करने के लिए कुछ। आप जो हम पर प्यार रखते हैं उससे मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ सर। अरुण, सबसे पहले ये समझ लो, इस उलझन का कारण पता है? हमेशा कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, वही वैसा मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ बहुत काम करती हैं, तुम भी घर के बहुत काम संभालते हो, मैं जस्ट हेल्प कर रहा हूँ बस। तुम अच्छी पढ़ाई करते हो, अकलमंद हो, तुम्हारी काबिलियत बेकार ना जाए इसलिए हेल्प कर रहा हूँ। बेकार का सोचे बिना पढ़ाई में ध्यान दो। यही सर, यही मेरी प्रॉब्लम है, कितना कुछ करके जस्ट कह के छोड़ देते हैं, यही मुझे खलता है। ठीक है, मुझे क्या करना है बोलो। भले ही आपके जैसा ना हो, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट देंगे तो 3-4 महीने में निपटा दूंगा, साथ में पढ़ाई भी करूंगा। बचपन से ही आपके साथ हूं इसीलिए काफी फील्ड वर्क जानता हूं। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारे पास से मुझे जो अच्छा लगता है तुम्हारा विश्वास। इंसान चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। आपने मुझे गलत नहीं समझा, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे अंदर एक ही बुरी आदत है और वही तुम्हारी उलझन है सर। यही सर। अरे मुझे अंकल कह के बुलाओ ना, तब हमारी दूरी कम हो जाएगी ना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो, हे, कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। प्रैक्टिकल में हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ हेलो। बाप रे, आविष्कारी आ गया, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं, भूख लगने लगी है। ओए, हमेशा की तरह जो भी घास फूस मंगाते हो ऑर्डर कर दो। अरे वो सब छोड़, तुम्हारी एंजेलिना जोली एकदम से मत देखना। देखो भैया, यही बिल्कुल सही टाइम है तुम अपना हार्ट ओपन करके। हार्ट ओपन करके बाईपास सर्जरी करनी है क्या? नहीं, जो भी मन में है वो बोल देना। अबे तो उसके लिए हार्ट क्यों ओपन करा रहा है, मुंह ओपन करना काफी है। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। ज्यादा मंगा कर बिल मत बढ़ाना। क्या हुआ रे, हिप्पोपोटामस की तरह मुंह खोल के क्या कर रहा है? तुझे इतना समझाया फिर भी तू नहीं मानता है। मेरे ग्रुप की लड़की वसंता को पटाने के लिए कैंटीन में आके बैठा है। तुझे मुझे देख के डर नहीं लग रहा? तुझे देख कर डरने के लिए तू कौन है, भूत है या प्रेत है, क्या है तू? तू मेरे काउंटर के ऊपर काउंटर दे रहा है, तेरे मरने का काउंटिंग शुरू हो गया। ये तेरे हाथ में क्या है, फुलझड़ी छुड़ाते समय जल गया क्या? चल दिखा मेरे सामने, मेरी बहन को अपनी आँखों से देख कर बता। देखना तो क्या, तेरे सामने छू कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा गिरा हुआ काम मैं नहीं करता हूँ, ये दोनों है ना ये करेंगे। जाओ रे, मस्ती से खेलना, जूते छोड़ना, जा।
देखो ऐसे जा रहे हैं जैसे ओलंपिक में जाने वाले। अबे साबुन लगा के नहा रहे हो क्या? ए बस बस बहुत हो गया, आ जाओ आ जाओ। देख लिया ना, छूने के लिए भेजा था उड़ा के ले गए, अब तो मानता है ना? मानता हूँ, तुझे अपनी जान की चिंता नहीं है मानता हूँ, लेकिन ऐसा टेस्ट बार बार रखूंगा, जिस दिन तू हारेगा उसी दिन टपका दूंगा। क्यों भाई आंसू टपकाएगा? क्यों रे, कैंटीन से खाली चावल की बोरियां लेकर उसे फड़वा कर टोपी सिलवा कर भिखारियों की तरह शक्ल बनाकर यहाँ खड़ा हुआ है और मुझे धमकी देता है उसामा बिन लाडन की तरह। गुब्बारा दे यार, ये ले इसे हाथ में पकड़ कर हिलाते रहना, कम से कम ठीक से जोकर तो लगेगा, दबा जोर से। ए, मेरी एंजेलिना जोली हंस रही है, फिर से दबा। ए, दबाते हो जा, वो हंस रही है। क्या आगे जा, आगे जा। ये दिल तुम्हारा है। अब ये मुंह क्यों बंद कर दिया? हंस ना वसंता हंस, तुम्हारी ये चहकती हुई हंसी से मेरी सांसें महकने लग जाती है, मेरा मन मचलने लगता है, समझो ना वसंता। दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द है, मुझे देखकर हंसते रहना, लेकिन बाद में ये मत कहना मैं ये सब नहीं जानती, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा ना तो सिर के ऊपर ऐसे ही। ये क्या कर रहा है? आओ भैया, करेक्ट टाइम पर आ जाता है, आके अपनी कुर्सी संभालो, जानता था कि गर्मी में बहुत तपते हुए आओगे, इसीलिए ही लेकर रखी है, लाना और रखना हमारा ही तो काम है, लेकिन ओपन करके पीना तुम्हारा काम है, डिस्कस करके पी लेना, कोई बात नहीं बिल मैं भर दूंगा, पी लो। ये कोई टाइम है आने का? क्यों, इसने कुछ कहा क्या? तुम डर गई क्या? ऐसी छोटी छोटी बात पे अगर डरोगी तो इस जन्म में IPS नहीं बन पाओगी। मेरे एम्बिशन को लेके तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, IPS बनने के लिए तुम्हें कुछ बदलाव लाने होंगे। मेरे एम्बिशन की बात छोड़ो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हो, तुम एरोनॉटिक्स में कैसे पास होगे वो देखो। मेरा एम्बिशन छोड़ो, तुम्हें IPS बनना, तुम्हारे एम्बिशन के साथ ही मेरी खुशियाँ भी जुड़ी हुई है, यही मेरी इच्छा भी है। मेरे जाने बिना तुम क्या क्या करते हो ये मैं जानती हूँ। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ए, घुमा फिरा के बात करने के बजाय सीधी बात कर। कल पिताजी से क्या बात की? वो तो उन्होंने ही बता दिया होगा, ऊपर से क्या मैं भी बताऊँ? मुझे छोड़ के तूने अकेले जाके बात की? कोई बात नहीं, दोस्त हो इसलिए छोड़ दिया। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, तुम जो प्रोजेक्ट करने वाले हो उसमें मैं भी पार्टनर, सो ऑल इज 50-50। तू और पार्टनर, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या? तू मुझे अपना पार्टनर बना ले, नहीं तो बाद में फील करेगा। ए, मैं खुद साल में एक कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर करना चाहता हूँ, इसमें तुझे 50% दे दूंगा तो कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा? एक काम करते हैं, बिना मजदूरी के काम करना, उसके बदले संतरे की गोलियाँ दूंगा। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मजाक करता है। मुझे पार्टनर बना ले, मेरे शेयर का अमाउंट तुझे उधार में दे दूंगी, जब तू पढ़ लिख कर कमाने लग जाएगा ब्याज के साथ पूरा दे देना। इसमें हंस क्यों रहा है? और नहीं तो क्या, ये तो वही बात हुई जैसे कि मैं दाल लेकर आता हूँ तू चावल लेकर आ, दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर गले तक दबा कर खाएंगे। तूने मुझे क्या अली बाप का समझा है? ओए माँ, कॉलेज खत्म होने के बाद 3 महीने के लिए तू साइड पे चला जाता है, मगर मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह से मैं तुझे ज्यादा मिस नहीं कर सकती, पिताजी से बोलकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देती हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे। ये तो क्या बोल रही है, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? तू चाहे तो कर सकती है, और तेरे पिताजी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अब आया ना बच्चों लाइन पे, यानी मुझे टेंशन देकर ही तू खुश होती है, तो 50-50 मान जाओ। ठीक है, देकर मरूंगा, ये किस्मत ही ऐसी है। ओके पार्टनर। तू एक्सक्यूज मी, यस, इनसे मिलना है। ओके सर, आई विल इन्फॉर्म। थैंक यू। यू आर वेलकम। बोले पिताजी। हाँ वो आ गई है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अच्छा, नीचे की शेल्फ में आपकी टैबलेट रखी है, खाना भी रखा हुआ है, खाना खा के दवाई ले लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, ज़रूर मिल जाएगी, अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी। हाँ बोलना। क्यूरी, इंटरव्यू के लिए कितने लोग आए हैं? 6 लोग हैं। तेरा लकी नंबर 7 है ना? हाँ, एक और आ जाएगा तो 7 हो जाएंगे। तेरी अगली सीट खाली पड़ी है ना?
वेकेंट करवा ली तो ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। थैंक्स यार, बाद में मिलती हूँ। सॉरी, इस तरह जगह बदलने से ही मेरा लक चलता है। बहुत नर्वस दिख रही हो, अभी तक कितने इंटरव्यू दिए? 5। यानी 4 में सेलेक्ट नहीं हुई। कौन सी डिग्री की है? बीई सिविल। पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट ट्रेवल्स में थे, अब नहीं है। तुम्हारी उम्र? 23। तुम्हारा नाम? लेकिन तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ? मैं यहाँ की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। ओह सॉरी सर, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, फोन पे बात कर रही थी। ये सब मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और ये शोरीन्स हैं। फ्रीलांस जो प्रोजेक्ट्स के हैं वो सब इसमें हैं। गुड, थैंक्स सर। ओके, तुम मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगी? व्हाई सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस, कम इन। थैंक यू। बैठो, और कैसे हो? फाइन। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ भी अच्छी हैं। ये मेरी डिटेल्स हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? साहब जी के कहने के बाद ये सब किस लिए? प्रोजेक्ट फाइल रेडी पड़ी है। एक छोटी सी बात है सर, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे होंगे, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा काबिलियत रखने वाले इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। बी सिविल मैकडाइल रुद्रन को कंपनी में फ्रीलांस कर रही है। मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, योग्य इंसान को रिकग्निशन मिलना ही चाहिए। ये काम अगर उस लड़की को मिलेगा तो उसका विश्वास और बढ़ेगा, और उस पर जो परिवार निर्भर है वो भी खुश रहेगा। अगर वो तुम्हारी जान पहचान की है तो उसे भेज दीजिए। वो आएगी सर। उसका नाम क्या है? नहीं जानता सर, लेकिन मुझे यकीन है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो वही निकलेगी। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं चलता हूँ। अरुण, अरुण। हाँ, क्या हुआ माँ, जा रही हो क्या? हाँ बेटे, वो भी तैयार हो गए हैं, साथ में मैं भी जा रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन कल रात तक वापस आ जाओगी ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैंने जो कहा था याद है ना, सुबह कॉफी के साथ उसे जगाएगा तो ही वो जागेगी। तू सोता मत रहना, कॉलेज की छुट्टी है बोलकर दोनों घूमने मत निकल जाना, और ना ही उसे अकेले जाने देना, ध्यान रखना। तुम आराम से जाकर आओ माँ, हम लोग क्या अभी भी बच्चे हैं। माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मतलब जाने के चक्कर में तुम सोई नहीं हो माँ? मुझे नींद कैसे आएगी, जब से गांव से फोन आया कि उनके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है जानकर। मालिक और मालकिन दोनों भी जागे हुए हैं, उनका ख्याल रखने के लिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। इन सब से अनजान वो बच्ची अभी भी सो रही है, मालिक ने भी जगाने से मना किया, तो उसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना भी ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं संभाल लूंगा। ए वसंता, गेट अप, उठो उठो। मेरी राजकुमारी, मेरी नाजुक सी गुड़िया, उठ जा उठ जा, इससे काम नहीं चलेगा। हाय अरुण, ये बता तू यहाँ पे कैसे आया? राजकुमारी के लिए कॉफी लेकर आया हूँ। लेकिन आज तो छुट्टी है ना, आंटी बाद में कॉफी लाकर दे देंगी, तू जाके सो जा जा। आज माँ तुम्हारे लिए कॉफी नहीं लाने वाली हैं, वो तो अभी तक भवानीपुर पहुँच चुके होंगे। क्यों? सोतड़ी कहीं की। रात को 12 बजे भागलपुर से फोन आया था, माँ जी, पिताजी और मेरी माँ, वो लोग रात में ही वहाँ के लिए निकल गए, और इन सब से अनजान तू अभी तक सो रही है। हाय, फिर तो आज पूरा दिन बाहर घूम सकते है ना। पहले उठ के कॉफी पी ले, ये ले पकड़। आंटी साथ में क्यों गई? मैं यहाँ पे हूँ ना, इसी हिम्मत से गई है, तुझे और क्या चाहिए बोल। आंटी क्या क्या करती थी पता है? तू वो सब कैसे करेगा?
जो बनाना होगा वो मैं बना लूंगा, तुझे क्या चाहिए वो बोल। ठीक है, ब्रश कर दे। क्या कहा? तेरे दांत मैं साफ करूं? कहा था ना, देखा तू वो नहीं कर सकता। ए, ये तुझे कुछ ओवर नहीं दिखता है? फिर नहलाने के लिए बोलेगी, फिर खिलाने के लिए बोलेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, माँ को फोन लगाना ही होगा। लगा लगा, मैं आंटी से बात कर लूंगी। क्या कहा? कोई बात नहीं, बात करना। तेरे से डर कर मैंने फोन नहीं काटा, माँ की वजह से मैं फंस गया हूँ। ठीक है बोल, करता हूँ। अब आया ना बच्चू रास्ते पे। ठीक है ठीक है, तू जाकर ब्रश और पेस्ट लेकर आ। अच्छी खासी पागल है। ए जरा रुक, तुझे हुआ क्या है? सुबह से ही अजीब सी लग रही है। तेरी ये जो हरकतें हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही हैं। सच कहा अरुण, मुझे भी ये सब अजीब सा लग रहा है। तू हमारा जो घर है, ये जो घास है, हमारे चारों तरफ जो है सब कुछ, इतना ही नहीं मुझ में कुछ नयापन सा लग रहा है। बिना देखे ही फोन में लव कर रहा हूँ, क्योंकि देख लूंगा तो कट हो जाएगा, ऐसा डाउट है। ठीक है देखते हैं देखते हैं, मैं तुमसे मिलूंगा। अबे लंगूर की औलाद, तेरा मुंह क्या सिर पे चिपका हुआ है जो उछाल उछाल के पानी पी रहा है? नॉट माई मिस्टेक, इसकी मिस्टेक है। ये क्या सोने का ग्लास है? ऊपर से इसमें चेन बांध के रखी है। यहाँ क्या हो रहा है? क्लास के टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? खजाना ढूंढ रहे हैं। हाँ? सर 2.5 लाख फीस भर के पढ़ाई करते हैं, और हमारे लिए तुम एक नया ग्लास भी नहीं लगा सकते? चेन भी रस्सी की बना रखी है। एक्चुअली मेरे मुंह से गाली निकलेगी क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। 6,000 के मोबाइल पे इसने पानी डाल दिया। आपको पता है अब से कॉलेज के अंदर कपड़े सुखाने वाली रस्सी भी दिखनी नहीं चाहिए। तो चड्डी वगैरह कहाँ सुखाएंगे? इतना बड़ा सिर रखा हुआ रखे सुखाना। बात सुन, बेकार में टेंशन क्यों हो रहा है? हमें किसी बात पर टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है ना। निकालना। कितने का? 10,000 का होगा? 12,000 का। हाँ, जरा इस पे बात करना। ए, तू पानी पी रहे? हाँ। हमें बिल्कुल टेंशन लेना नहीं चाहिए। मोबाइल चला गया, उस चड्डी के साथ साथ इस मोबाइल को भी सुखा लेना। पता नहीं किसने प्रिंसिपल बनाया। अरे अंदर आना, तू वहाँ क्यों खड़ी है? सोचा कहीं आप जरूरी काम में बिजी ना हो। लगता है तुम उसे कुछ खास बात करने आई है, तू अपनी बात बताना। आप ये सब कैसे? हाँ बोलो। अरुण से प्यार करने लगी हूँ। पिताजी क्या सोच रहे हैं? मैंने कुछ गलत बोल दिया? तू आगे क्या बोलने वाली है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बोल। वही जो मैंने अभी कहा। अब मुझे क्या करना है ये भी बता दे। वो नहीं जानती, लेकिन आपसे बोलने का मन किया, बोल दिया। तूने जो फैसला लिया है उस पर तुझे अटल रहना होगा। जरूर पिताजी, वो जब मेरे पास में होता है तो खुद को बहुत सेफ महसूस करती हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए प्यार करने के लिए? लेकिन अरुण कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं ना, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चलता रहता है। उसे पहले से ही वो नौकरानी का बेटा है, तू मालिक की बेटी है, इस बात का कॉम्प्लेक्स है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉम्प्लेक्स उसके बीच में आ जाए। वैसे सच में अरुण से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ए, और कितनी देर इंतजार करूं? अब तो आ रही है नहीं, ऐसे ही बोलती रहना। हेलो मिस्टर ऑफिसर। हाय, तुम यहाँ और कैसी हो? चलो याद तो रखा है, आपको जॉब मिल गया क्या? मुझे तो नहीं मिला। माय बैड लक। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? ये क्या, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? अगर मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकले तो आपके लिए बोलूं? ओह श्योर। ओके, अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अरुण, तुम्हारा नाम? एक छोटा सा सस्पेंस, अगली मीटिंग में बता दूंगी। बाय। सुनिए, वो आपको कुछ बोल कर गई है क्या? रूम में दिखाई नहीं दे रही है। वो यहीं कहीं होगी, बैठ के खाना, देखता हूं। हेलो अरुण, मैं बोल रहा हूँ, वसंता वहाँ पे है क्या? हाँ है ना, आज तो पूरी तरह से फंस गई है। पिताजी का फोन ले, बात कर। हेलो। क्यों खाना खाने नहीं आई? अरुण के साथ खा लूंगी पिताजी। अच्छा ठीक है ठीक है, माँ को गुस्सा आए उससे पहले आ जाना। जी अच्छा।
थोपड़ा देखो, वो अरुण के साथ ही खा रही है। ये क्या शुरू कर दिया वहाँ जाके खाने के लिए? आ जाने दो उसे, सिर पे चढ़ गई है। पगला गई है क्या जो आज अचानक ऐसे कपड़े पहने हैं? कौन, मैं पगला गई? तू पागल है? कितनी अच्छी साड़ी पहनकर आई हूँ, उसकी तारीफ करना भी नहीं आता। क्यों, तुझे हुआ क्या है? फैशन शो में चलने वाली है क्या? वैसे अच्छी है, बांस के पेड़ पे जैसे साड़ी लपेट दियो। तू तो उल्लू है, तेरे लिए कितने प्यार से कॉफी लेकर आई हूँ। थैंक्स न बोलकर मजाक उड़ा रहा है? वो सब तो ठीक है, बात क्या है जो तू मेरे लिए कॉफी लाई है? बस ऐसे ही मन किया। अरे ये क्या, पीट में खास आ रही है, जरा सा खुजा देना। जाना, सब समझता हूँ, मुझसे तुझे कोई काम निकलवाना होगा, वो काम क्या है ये बता। अरुण, तू मुझे आज बाहर लेके चलेगा? अब समझ में आया, तेरी माँ से जाके मैं बात करूँ, इसके लिए किसी और को ढूंढ और जा यहाँ से। तू चाहे कुछ भी सोच ले, पर तू अभी मेरे साथ चल रहा है। मैंने कहा ना मैं नहीं चलूंगा। प्लीज अरुण, चल ना। क्या हुआ बेटी, इस तरह से क्यों बोल रही है? बस ऐसे ही बाहर जाने के लिए बोला, तू चलने से मना कर रहा है। अकेली जाऊंगी तो माँ डांटेंगी ना, आप ही बोली आंटी। ए अरुण, बच्ची बोल रही है ना, लेके जाना। तुम आ गई इसकी सपोर्ट में, तुम इसके ऊपर बहुत लाड कर रही हो। सुन अरुण, ये लोग इतने अमीर होते हुए भी इतनी इज्जत देकर बुला रहे हैं। ओहो, तुमने शुरू कर दिया अपने उपदेश, इसकी माँ से डांट मुझे पड़ेगी। तू अगर साथ में जाएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, तू साथ में जा। तो उसके लेके ऐसे ही जाऊँ? ए तू जाना, मैं नहा के आता हूँ। ओके थैंक्स आंटी। सांसों में तू ही तो है, सांसों में
धड़कने धड़कने गाती है धड़कने सांसों में सांसों में तू ही तो है सांसों में धड़कने धड़कने गाती है धड़कने नदिया तू सागर हूँ मैं इन बाहों में भर तुझे पाके तुझे मेरे सनम खो रहा होश मैं सांसों में सांसों में तू ही तो है सांसों में धड़कने धड़कने गाती है धड़कने तूने मुझे पा ही लिया ये आंखों में तेरी मैंने देख लिया जब से है जाना तुझको सनम बस में नहीं है मेरा तन मन प्यार में तेरे हो गया हूँ मैं जैसे कोई दीवाना गुनगुनाता है दिल ये प्यार का तेरा ही ये अफसाना धड़कने सुन जरा ये बोल क्या सुन जरा भर ले तू बाहों में देती है ये सना सांसों में तू ही तो है सांसों में धड़कने धड़कने गाती है धड़कने में चाह है तुझे और मन में ही अपने बसाया है तुझे खुशियां जहां की बनेंगी अपनी जब मैं बनूंगी तेरी सजनी फूल भी तेरा पंछी भी तेरा नाम गुनगुनाते हैं तुझे देख के राह में सभी मानो आह भर है मैं हूँ तेरी तू है मेरा है प्यार का सिलसिला दिल कहे चूम ले जब से है तू मिला सांसों में तू ही तो है सांसों में धड़कने धड़कने गाती है धड़कने नदिया तू सागर हूँ मैं इन बाहों में भर तुझे पाके तुझे मेरे सनम खो रहा होश मैं आज एग्जाम है किसी के अंदर भी सिंसियरिटी है मैं अकेले एक घंटा पहले आकर यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और इसे देखो छछुंदर की तरह कैसे देख रहा है वो एग्जाम का हॉल है जनरल डिब्बे की तरह देख रहा है और जाऊँ या नहीं सोच रहा है तेरी समस्या क्या है कुछ नहीं है तेरे दिमाग में कुछ नहीं जानता हूँ बात सुन
पहले बाथरूम जाकर आ, एग्जाम में पास हो जाएगा। बाथरूम जाने का पास होने से क्या संबंध है? शाहिद कपूर का अनिल कपूर से कोई संबंध है? कुछ भी नहीं है। अरे है, दोनों के दोनों फिल्मों में है ना। हाँ भैया, वैसे ही बाथरूम का एग्जाम से एक संबंध है, बाथरूम होकर आप पास हो जाएगा। ला, जा जल्दी जा, आजा आजा। ए, मुझे जल्दी से देना। अबे मैं क्या यहाँ सुलभ शौचालय का टिकट बांट रहा हूँ? ये क्वेश्चन पेपर का टोकन है, क्या पीछे जाके लाइन में लग गया। जा जा। टोकन ले लिया ना, ऑल द बेस्ट। जा आओ रानी, ओरिजिनल टोकन है ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। अभी जाना। इट्स ओके। हे एक्सक्यूज मी, बाथरूम जाकर आई। बाद में फील करेगी, अभी एक क्वेश्चन पेपर और बचा है। हे बाथरूम गया था? मैं क्या सोने जा रहा हूँ जो पहले बाथरूम जाऊँ? क्यों, जागते हुए बाथरूम नहीं जाता है क्या? बात मत करने तो भूल जाऊंगा। A for apple, B for boy, C for cat। देखा, मैथ्स एग्जाम के लिए साइंस की बुक पढ़ रहा है। ये लोग पढ़ाई के नाम पर कलंक है। अच्छा एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन पेपर आउट कर रहा हूँ, एक बचा है ले लो। तो इससे तो कहीं जगह डूब मर, पेपर बेचता। तू ले लेना यार। ए, किसी और पे नहीं, मुझे अपने दिमाग पे भरोसा है। कोई लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए, बस फ्रेंड हो या सगा बाप हो, अपमान करने से नहीं चूकते। क्यों यार, तुम्हारे लिए क्या है? मेरे लिए? एक मिनट में ना, ये क्या एग्जाम में कोरी कोरी जा रही है? ये ले फूल, ये लगा के सज धज के जा जा। और हाँ, मेरे आगे बैठना, ठीक है, वहीं बैठना। ओए कलेक्शन निकाल यार, क्या बाथरूम में बहुत मुश्किल से टिकटें बेची हैं, चुपचाप मेरा शेयर दे देना। ऐसे बोल रहा जैसे बहुत सारी BMW कार सेल्स कर दी और शेयर चाहिए। अबे यार, अगर मुझे शेयर नहीं दिया ना तो ये बात सबके बीच में शेयर कर दूंगा। क्यों रे, धमकी दे रहा है? ऐसा भी समझ सकते हो? इसका मतलब तुझे शेयर चाहिए? ले पहले इस पे बैठना, फिर बाद में मांगना। उस लड़की से जरा पेपर लेके दे दो ना। लड़की से? अंधा कहीं का, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। क्वेश्चन पेपर बेचकर बहुत कमाई की है ना, अब तुम ही फंस गया देखा, इसीलिए जो करते वो सामने आता है। चिपकली चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मगरमच्छ नहीं बन पाएगी। हे लड़ी, ये क्या रे? जब मैंने इसके बालों में फूल लगाए थे तभी उसमें बिट पेपर लगा दिया था। अबे छटाक भर का होते हुए जब तू इतना सोच रहा है तो हाथी की साइज का मेरा ब्रेन कितना सोचता होगा। चुपचाप लिख। ए विकली जरा दिखाना। दिखाऊंगा, अगर तुझे दिखाई दे सके तो लिख लेना। ठीक है। देख ले। सुबह सुबह ये बच्ची कहाँ चली गई? क्या बात है लक्ष्मी, कॉफी वापस लेकर आ रही हो? वो अभी तक उठी नहीं क्या? वो कमरे में नहीं है, लगता यही कहीं बाहर होगी, मैं जाकर देकर आती हूँ। ये क्या है वसंता, रात हो या दिन तू मुझे पढ़ने ही नहीं दे रही है। बोर मत कर, जब देखो किताब लेकर पढ़ता ही रहता है। मुझे क्या करने को बोल रही है? कुछ करना यार। तू मार खाएगी, मुझे पढ़ने देगी कि नहीं? छोड़ना, छोड़ना, छोड़। चोरी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? चल कहा ना, चल मेरे साथ। माँ, जो सोचा था वही हो रहा है, सब तेरे बाप की वजह से। तू नीचे चल, वही तेरी खबर लूंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आज ही कोई ना कोई फैसला लूंगी। माँ मेरा हाथ तो छोड़ो। उमा ये सब क्या है, बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही है? कौन सी बच्ची, 22 साल की हो गई है, उम्र के हिसाब से रह रही है क्या? कुछ दिनों से हरकतें ठीक नहीं है, और आप भी इसे कुछ नहीं कहते हैं, मैं कुछ बोलूं तो चुप करा देते हो। इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं होगा, ये खुद भी नहीं पढ़ेगी और बेचारे उस अरुण को भी नहीं पढ़ने देगी। तू इस तरह की बात क्यों करती है, आराम से समझाएगी तो समझ जाएगी। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, चाहो तो इससे पूछो। जब देखो इसके पास चली जाती है, ना इसे पढ़ने देती है ना इसे सोने देती है। ठीक है तू चुप रहे, मैं बात करता हूँ, तू आ जा। दो तीन चार, अरे वाह मैं पास हो गया, नंबर वन में पास हो गया, कॉलेज में मैं फर्स्ट आया। ऐसे क्यों चल रहा है? समझ में नहीं आया, मैं फेल हो गया हूँ।
छे, बिना पढ़े क्या पास नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे यार, बताना मुझे। बिना पढ़े पास करने के लिए यूरिन पास कर सकते हैं। तू जाके पहले पास करके आ। अबे जाना। मेरी टांगों के बीच में कौन घुस रहा है? मैं हूँ, अपना रिजल्ट देखने के लिए आया। ये कॉलेज का सेक्शन है, ये प्री केजी एलकेजी के लिए प्रोग्रेस कार्ड देते हैं। आया के पास होगा, जाके ले ले। देखो मेरी इंसल्ट मत करो, पहले ही मुझे नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नंबर नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब फेल हो गया है। अरे मैं लिस्ट नहीं देख पा रहा हूँ कहाँ। ओ, तेरी हाइट कम है ना। तेरी साइज के लिए तो नीचे चिपकाना चाहिए था। खैर अब तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार उठाऊंगा, ठीक से देख लेना। ओके ओके, देख ले। पास हो गया। ऐसे ही बाहर निकल जा, फेल होने वालों ने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। देखा तूने, पिद्दी से लोग पास कर जाते हैं और हट्टा कट्टा बन के फेल हो गया है, शर्म नहीं आती? तू एक काम कर, उसके पैरों को धोकर रोजाना पी लेना। तब अच्छे मार्क आएंगे? मार्क नहीं आएंगे, पी लिया आएगा। छे, चलना। ओहो, नंबर ही नहीं है। खैर छोड़ना, अगली बार साथ में लिख देंगे। कम कम कम, ओके रिलैक्स। हे, ये क्या पास करने वाले तेरा हाथ चूम के जा रहे हैं? हे, इनके पास होने का कारण प्रोफेसर नहीं है। हाँ। ये हाथ है। हे, गणित की तरह उलझा मत, सच बताना। इन सब लोगों को क्वेश्चन पेपर दे देकर पास कराया इसी हाथ ने, इसीलिए सम्मान दे रहे हैं। ये तू क्या कर रहा है? इसी हाथों से सबको टोकन दिया था, इसीलिए हाथ ये वाला हाथ। सर सर सर, आप भी ये क्या कर रहे हैं? सर सर, जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। हाँ? ये क्या, ये बोलने के लिए लाइन में लग कर आए? सीधे आके बोलकर जा सकते थे ना। लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। जो भी तुम्हारे पास पड़ेगा कभी पास नहीं होगा। ज्यादा फील मत कर, जो होना था हो गया, अब सोच मत। स्टॉप, क्यों रे, वहाँ देखा तूने उन दोनों को? उस दिन तो बड़े घमंड के साथ बोल के जा रहे थे कि क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए, अब पता नहीं कितने सब्जेक्ट में आउट हुए हैं। ऊपर से एग्जाम हॉल में SMS। हे अरुण, जरा रुकना, तुम लोग लंच के बाद आना। कितनी विकेट गिरी है। ए, ऐसे पास होकर जीतने वाले दिखाते हैं, तुम इसे ऐसे दिखाओ। अब हम क्या करें यार? तो तू सब कर चुका है ना, पढ़ाई के टाइम पर लव करेगा तो फेल होगा ही ना। तुम लोग उनमें से हो जो प्यार के मोह में पढ़कर इतना भी भूल गए कि कॉलेज की पढ़ाई करनी है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लवर्स बदनाम होते हैं। जाओ ना यार, चल रहे। मेरी औलाद है, तुझ पर कितना विश्वास रखा, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, उसका तूने यही सिला दिया। अच्छा होता कहीं मर जाता। अब छोड़ ना लक्ष्मी, ये सब इसकी करतूत है, अच्छे खासे पढ़ने वाले को भी खराब कर दिया। मैं उसी दिन बोल बोल के थक गई, पर मानता कौन है? अब चुपचाप रहने से क्या फायदा, मेरी बात मान लेते तो। माँ, बस कर, तू जरा चुपचाप रह, जो होना था वो हो गया। क्यों बेटी, इसका असली कारण क्या है मैं बता दूं? तुम्हारा लव। ये आप क्या बोल रही हैं? ए, क्यों बेटी, मैंने तुम दोनों को अक्लमंद समझा था, पर मुझे ही बेवकूफ बना दिया। प्यार मन का मैल धोता है, गंदा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों आपस में प्यार करते हुए जानकर मैं कितना खुश हुआ था पता है? क्यों? क्योंकि मैं समझता था दोनों जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, अरुण, तुम पर बहुत भरोसा किया, मेरी लड़की में तो बचपना है, सोचा तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी दो पेपर में फेल हो गए हो। बस इसी बात से मैं जरा दुखी हूँ। ये सोच सकते हो कि हम इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, कि आखिरी साल है? अगर आज भूल का एहसास नहीं कराया तो अगले साल नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी? मेरी बात सुनो, माँ बाप आजादी देते हैं तुम्हारे विकास के लिए, खराब होने के लिए नहीं। अरुण, तुम एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहते हो, वो IPS बनना चाहती है, तुम्हारा ये एम्बिशन लौ खाक में ना मिला दे, ध्यान रखना। मेरी बेटी बहुत शान और शौकत से पली है, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, दुखों से घिरे हो, हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो। इस बात को यहीं पर छोड़ दे, वही इनके लिए तेरी एडवाइस होगी।
एप्लीकेशन कॉलेज एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? ये तुम क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, दूसरे कॉलेज में, KCG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। फाइनल ईयर मैं वहीं पे कंप्लीट करूँगा। माँ बाप और दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए और फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें अलग रहकर ही पढ़ना होगा। तू क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहा है? अगर हम प्यार ना करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम दोनों साथ में ही रहते। एक साल मैं भला कैसे रहूंगी? जस्ट वन ईयर, जरा सोच के देखना, कोई फीलिंग नहीं आएगी। हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, क्या एक साल तक हम लोग अलग नहीं रह सकते? रह सकते, चाहे तो अलग रह सकते। पर कैसे रह सकते हैं? जब से हम साथ में जुड़े हैं तब से हम एक दिन भी अलग नहीं हुए हैं। मन में जब ये प्यार रहेगा और हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा तो? ऐसा नहीं होना चाहिए, मन पे काबू रखना होगा, क्योंकि हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हम दोनों को सब उसी नजर से देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और जब हम दोनों साथ साथ में रहेंगे तो एक दूसरे से बात किए बिना भी नहीं रह पाएंगे। काफी सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया। दिल से तो मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, दिल कितना दुखी होगा मैं जानता हूँ, लेकिन सहन करना होगा। और इन सबसे ऊपर मेरी माँ, मेरे बिना मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी। जब वो जानेंगी मैं उनसे दूर जा रहा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं भेजेंगी। ये पढ़ाई नहीं चाहिए ऐसा बोलकर वो अपने साथ ही रहने के लिए बोलेंगी। घर में किसी को भी बताए बिना कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। सिर्फ तुझे बताना चाहता था, इसीलिए यहाँ लाया। अब तुझे ही सबको समझाना होगा। तू तो सिर्फ मुझे ही मिस करेगी, लेकिन मैं तुम सबको मिस करूंगा, तुझसे भी ज्यादा। ये जान ले, दुख मुझे होगा। अगर तू ही मुझे नहीं समझेगी तो फिर तक मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। सीबी है क्या? सीबी कहाँ मिलेगा? वहां जाके देखो, बीच में सो रहा होगा। ए, उठना यार। अरे रुक जाओ ना, कहाँ जा रही है? अबे उठना भैसे। हे, तू कब आया रे? कम से कम बोल तो देता, बिना बोले ही आ गया। हाँ, कोई लड़की भगा के तो नहीं लाया? ऐसा कुछ नहीं है यार, कॉलेज इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हे, और कितने साल तक पढ़ता रहेगा? सालों से पढ़ता ही आ रहा है। मेरी बात छोड़, तेरा काम कैसे चल रहा है? चल रहा है ना, 4 साल से इसी होटल में हूँ। कैटरिंग का काम और 10 साल तक, बाद में सेटल हो जाऊंगा। बस ऐसी कट रही है यार। ठीक है चल, रूम में चलते हैं।
देख तेरे लिए आज मैंने छुट्टी डाली है, रात को याद से पार्टी दे देना, कॉलेज तो बढ़िया है यार। चुपचाप चलना यार। ठीक है यार। एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। सिट डाउन। थैंक यू सर। गुड मार्क्स एंड गुड रिमार्क्स फ्रॉम ऑल योर प्रोफेसर्स। वेरी गुड। आई होप यू मेंटेन दिस। आई विल सर, श्योर। ओह दिल्ली के हो? जी हाँ सर। यू आर द गार्जियन राइट? हाँ जी हाँ सर। तुम्हारा नाम? सिबी। इसके फ्रेंड हो? जी हाँ सर। जस्ट साइन। जी अच्छा। हे अरुण। हे क्या है यार, बोलना। 6 बजे याद से होटल पहुंच जाना। ठीक है यार। हे बोलना नहीं। बोल दिया ना, आ जाऊंगा। आ यार इतनी देर क्यों हो गई? कौन है वो? जरा एक मिनट, लगता है इसे कहीं देखा है। लेकिन तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ? एक मिनट रुक, आता हूँ। तू जा कहाँ रहा है अरुण? ए मेरी बात मानना यार, वो तो एक बार डांसर है। वो हमारे बॉस के कंट्रोल में है, बेकार की प्रॉब्लम मत करना। वो यहाँ कैसे आई जानना है? ये सब यहाँ आम बात है। वो यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आई थी, पता नहीं इनके जाल में कैसे फंस गई, और एक बार जो फंस जाता वो निकल नहीं पाता है। हेलो सर, तू यहाँ पढ़ने आया ना, सिर्फ अपनी पढ़ाई को देख, इस झमेले में मत पड़। मेरी बात मान ले, चल यहाँ से। उसे पूछे बिना नहीं आऊँगा। उस लड़की से दोबारा मुलाकात ऐसे होगी मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में कितने लोगों से हम मिलते हैं, उन्हीं में से एक ये लड़की थी जिसे भुला नहीं पाया। उस अनचाही घटना ने मेरी जिंदगी में जो दरवाजा खटखटाया वो यहीं से। ए एक मिनट रुक, तेरी सारी प्रॉब्लम मैं जान गया हूँ, तुझे यहाँ से मैं लेके जाऊंगा। नहीं अरुण, पहले तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों, मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? तुझे संभाल के मैं ले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बात मत कर, मेरे साथ चल। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे ये अच्छे लग रही है? तुम जाओ अरुण। तुझे ये लड़की चाहिए क्या? लेके जाएगा क्या? पसंद है तो छोटी सी एक पप्पी दे दे। सर ये मेरा दोस्त है, इसे पता नहीं है सर। अरुण तू चलना, बेकार के लफड़े में क्यों पड़ रहा है? रहने दो अरुण, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ तुझे? अरे ये क्या हो गया? ए इधर आओ नरेश। बॉस ऑटो ऑटो, तुम यहां से भाग जाओ, जल्दी जाओ। तूने ऐसा क्यों किया? चल जल्दी चल। ओह, हे, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो कितना बड़ा आदमी है जानता है? यहाँ जितने भी दादा है उनका बाप है, गॉडफादर है। उसके किसी आदमी पर हाथ लगाओ वो चुप नहीं बैठता है, और जब पता चलेगा उसका बेटा तेरी वजह से मरा, सोच भी नहीं सकता क्या करेगा। सबसे पहले तू एक बात जान ले, हमने कोई गलती नहीं की। इन सबका फैसला वही करते हैं। ठीक है पुलिस में जाएंगे तो? हे तू अभी भी नहीं समझा, यहाँ पुलिस भी वही है और जज भी वही। उनके हाथों से बच पाना बहुत मुश्किल है, अगर भेज भी बदलोगे तो भी पकड़ लेंगे। अरुण तुम्हारी उम्र का था, नरेश कोटला, मेरा बेटा जो अब नहीं रहा।
और उसका बाप बिल्कुल खाली हाथ तुम्हारे सामने खड़ा है और उसकी लाश वहीं पड़ी है। बोलो, तुम्हारे और हमारे बीच क्या दुश्मनी है? जब से वो पैदा हुआ मैं हमेशा जीतता आया और जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया, लेकिन अब बच्चे भी कहेंगे कि मुंबई को डराने वाला कोटला का बेटा एक मामूली इंसान के हाथों मारा गया। हा? बोल, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? सर, जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। तो उसके लिए मैं माफ कर दूं क्या? अनजाने में भी किसी को माफी नहीं मिलती है। ये जान ले, मुंबई में कदम रखते ही तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए था कि यहाँ किसकी चलती है। तूने इसे समझाया नहीं, तू तो जानता था ना, तूने इसे समझाया नहीं उस पर हाथ डालने से पहले? सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, इट्स एन एक्सीडेंट। इट्स एन एक्सीडेंट? तू तो बहुत आसानी से बोल रहा है। मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, समझ में आया? नहीं समझा ना? तुझे मैं समझाता हूं। अभी भी समझ में नहीं आया? रोजाना मौत से खेलता हूं, मौत का खेल जानता है? यही होता है मौत का खेल। Hey, relax. मार दे, मारना चाहता है ना, पूरी तरह से मिटा दे। ये क्या रे, अनजान शहर में नए नए चेहरे, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है सोच रहा है? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, अब्राहम, जॉन अब्राहम। 12 सालों से इस आज के दिन के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और ये देखो, माय ग्रेट एनिमी चूहा बन के खड़ा है। शबाश, मजा आ गया, तबका दे। तुमने अगर इसे जिंदा छोड़ दिया ना, तो तुम फिर से भागते फिरोगे। शाबाश। ए, कहाँ जा रहे हो? अगर तुम यहां से नीचे जाओगे तो तुम्हें उठा के ले जाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी असली जिंदगी मैं दिखाता हूँ। चलो। इसके बाद कितने खून किए, कितनी खून की नदियां बहाई, ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहना काफी है जब से ये फैसला लिया। अच्छा बन के कैसे रह सकता हूँ? मेरा रास्ता बदलने लगा और जहाँ मैं जा रहा था वो एक अलग दुनिया थी।
2007 में मुंबई में जो घटना घटी ये मुझे लगता है पूरा डिपार्टमेंट जानता है। दो बड़े डॉन ग्रुप के बीच जो गैंगवार हुई उसमें वो ग्रुप खत्म हो गए। महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा मानकर उनकी फाइलों को क्लोज कर दिया। बावजूद इसके पिछले कई सालों से अंडरवर्ल्ड क्राइम्स होते आ रहे हैं। सर, इससे पहले भी कई टीमों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन ये डॉन कौन है, कैसा दिखता है, उसके हाथ की रेखा भी कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। अभी तक क्या हुआ ये मीटिंग उसके लिए नहीं है। सॉरी सर, अभी तक जितनी टीमों ने इन्वेस्टिगेट किया है वो अनुभवी थी। जब वो कुछ भी नहीं कर पाए तो ये लिसन, तुम जिस टीम के बारे में बोल रहे हो वो तुम, मैं, हम सब लोग, नौकरी, बीवी, बच्चे, ऐसा बोलकर नौकरी के साथ साथ घर की चिंता करते हैं, कभी भी देश की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले इन पांच लोगों को सेंट्रल डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया है। इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए।
थैंक यू सर। तुम्हारी टीम की तरह एक और टीम इस केस को आज भी डील कर रही है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए ना। देशद्रोहियों को जड़ से नेस्त तो नाबूद कर देना चाहिए, और ये तुम जैसे नौजवानों के हाथ में है। रास्ते भले ही अलग हों, लक्ष्य एक हो। ये लो। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पिताजी मैं जा रही हूँ। ये क्या क्या हो गया? तुमने तो अपने लक्ष्य को पा लिया, लेकिन तुम्हें इस पोस्ट में देखने के लिए हमसे भी ज्यादा अरुण की बहुत इच्छा थी। आज वो नहीं है, इसीलिए। पिताजी इस टीम में सेलेक्ट होने के लिए मैंने जितनी कोशिश की उसके लिए एक और कारण है। अरुण जहाँ पढ़ता था उसी शहर में इन्वेस्टिगेशन करने वाली हूँ। मुझे विश्वास है वहाँ जरूर अरुण का कोई क्लू मिलेगा। तुम्हें आज भी विश्वास है कि वो जिंदा है? प्लीज आप इस तरह की बातें मत कीजिए। उसे हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा आप जानते हैं। उसके बाद भी आप इस तरह से बोल रहे हैं। पॉजिटिव बोलना चाहिए ना। मुझे पूरा विश्वास है अरुण को कुछ नहीं हुआ होगा। तुम में जो विश्वास है वो मुझ में नहीं है। आंटी आपको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं बोला है। किस विश्वास से आप इतने सालों तक ये बिंदी लगा रही हैं? 25 साल पहले आपका पति कहीं गायब हो गया, वो कहीं ना कहीं जिंदा होंगे इसी विश्वास से ना? वही विश्वास मेरा भी है। मुझे पूरा विश्वास है अरुण इस दुनिया के किसी कोने में जिंदा ही होगा। जल्दी से उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगी। तेरे इसी विश्वास के कारण मैं आज तक जीती आ रही हूँ। उसके बारे में सोचकर तबीयत खराब मत करना। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तुरंत फोन करूंगी। पिताजी मैं चलती हूँ। बाय डियर। चलती हूँ माँ। मिस्टर राजशेखर एसीपी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। ही इज मिस्टर अमरनाथ सिंह। हेलो पुलिस कमिश्नर, आपको जी ये गाइड करेंगे। और कुछ मुझसे पूछना है? यस सर। ओके टेल मी व्हाट कुड बी द रीजन इफ यू डोंट हैव अ सिंगल क्लू। और की नाम कमाना पह कमाना और दूजी की गलेगी। सर यू नो दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल आंसर। यस आई नो, बट दिस इज द फैक्ट। बट आई नीड योर परमिशन फॉर सम ऑफिशियल डिसीजंस। I would like to see all the personal files of the inspectors and their respective areas. If necessary, please give me the authority to transfer them. Okay, go ahead. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. All the best. अब हमें जो follow करनी है इस file को, दरअसल department ने जिस बात को seriously सोचा है, वो यही है। सिर्फ मुंबई में ही 9 लाख से ज़्यादा youngsters drugs की चपेट में हैं और वायरस के द्वारा लोगों में बीमारियां फैलाकर फिर उसके लिए कुछ दवाइयां बनाकर उसके द्वारा कई लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसा और भी है हाँ। और इन सब का कारण जो डिपार्टमेंट ने कहा है जिसे किसी ने नहीं देखा वो डॉन। ऐसे इंसान का सपोर्ट हमारा डिपार्टमेंट करता है सोचकर दुख होता है। ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। ओके कम हियर। हे hey, ये क्या है? मेरे न्यू वेबसाइट फोटोज। उसके लिए इतनी ग्लैमराइज्ड फोटोज क्यों डाले? उनके रास्ते पे ही चलने के लिए मैंने कॉल गर्ल की एक वेबसाइट ओपन की है। देखते हैं वर्कआउट कैसे होती है। सर क्या बात है, आईजी के पास बहुत बड़ी लिस्ट दी है। जी हाँ सर। सर आपसे मुझे एक पर्सनल हेल्प चाहिए सर। हाँ हाँ बोलो। ये मेरी जान पहचान का है, आज से 5 साल पहले मुंबई में पढ़ने आया था, लेकिन 6 महीने के बाद ही इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। उन सालों में आप यहाँ पर सर्विस में थे,
अगर आपने इसे कहीं देखा हो या अब कहीं दिखे और मुझे बताएंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। कौन से कॉलेज में पढ़ता था? KCG कॉलेज सर। ओके, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ हो पाएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रिस्क। ट्राई करके देखते हैं ना। तुम्हारी वेबसाइट देखकर कितने लोगों ने इनवाइट किया होगा, वो भी इतने बड़े शहर में। मगर उनकी प्लानिंग ऑफ अप्रोच बहुत अलग सी है। ये कैसे बोल रही हो? ये अप्रोच देखने से मामूली नहीं लगती। उनकी प्लानिंग बहुत सिक्योर्ड है। कल वहाँ जाकर ही देखूंगी। तुम अपना फैसला वैसे कब बदलती हो? बी केयरफुल। मेरे बॉस ने प्रोग्राम बदल दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ, उस लड़की को छोड़ के आ जाओ। ठीक है। चलो। क्या वसंता, और कितनी देर इंतजार करें? हमें इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि CBI ने जो खबर दी है वो एकदम पक्की है। हम पांचों के अलावा डिपार्टमेंट में कोई और ना जाने, इसीलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। मिस्टर रेक्स, थैंक्स फॉर कमिंग। हे गाइस, दिस इज मिस्टर रेक्स रोगो, आर अंडरकवर ऑफिसर। मैं जानती हूँ तुम इन्हें देखकर कंफ्यूज हो रहे हो। ये हमसे भी सीनियर स्टूडेंट हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में स्कॉटलैंड में स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले इनको हमसे पहले ही हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भेज दिया है। हम अकेले में बात करें? नॉट नेसेसरी, ये लोग मेरी बैच के हैं। कोलीग्स के अलावा हम सब में अच्छी दोस्ती भी है। ओके। हमारे डिपार्टमेंट के अनुसार वो दोनों के दोनों गैंग बिजनेस के चलते आपसी मुठभेड़ में नहीं मरे हैं। बीच में किसी और एक्स ने आकर दोनों गैंग का सफाया किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलरेडी जो नेटवर्क अंडरग्राउंड था वो एक्स फॉलो करके उस नेटवर्क का डॉन बन गया। ही इज वेरी यूनिक। वो है कौन? वो दिखता कैसा है? वो आया कहाँ से? ये बात उसके गैंग में कुछ लोग नहीं जानते, ये भी सच है। इतना ही नहीं, वो एक्स अपनी सिक्योरिटी के खातिर पूरे 24 घंटे किसी भी एक देश में नहीं बिताता है। इंटरेस्टिंग। ओके मिस्टर रेक्स, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए किस तरह काम आएगी? मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं आया, क्योंकि उससे पहले एक बात और है। 2 साल में एक बार अलग अलग कंट्रीज से अंडरवर्ल्ड के डॉन्स एक जगह पर आकर मिलते हैं, और इस साल उनके मिलने की जगह मुंबई है। मुंबई में कहां पता नहीं, ये बहुत सीक्रेट रखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर उनकी जगह हाई फाई होटल होती है। चुरा ही लूंगी,
अपना बना के तुझे प्यार की राह मिला के ही मैं छोड़ूंगी तेरा ये नशा आप से मैं छोड़ूंगी चाहे बोला हो पर मेरी आंखों में है कसमें जो खाई थी वो मेरे दिल में ही है जो होना था सो हो गया शुरुआत फिर से करे दिल में जो है दर्द तेरे चल मिल के दूर करे इस दिल में तो आके झांक ले धड़कन मेरी कहती है क्या आके जान ले लफड़ाए छोड़ दे धंधाए छोड़ दे दिल अपना मोड़े तो इस तरह बदला है भेस ही पर आके बोले हैं तुझको ही पाने की प्यास ये बढ़ती है जब से गया छोड़ मुझे आंखों में नींद नहीं वादे जो थे हमने किए उन्हें कभी भी मैं भूले नहीं इन हाथों से तेरे हाथों में हथकड़ी डालूंगी चौंकेगा ये जानकर मैं कौन जब कहूंगी लफड़ाए छोड़ दे धंधाए छोड़ दिल अपना मोड़े दो इस तरह ऐसी मुलाकात होगी सोचा नहीं था ना इतना चुपचाप क्यों है जबान रुक गई ना सो पुरानी कोई भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है कैसे बच के भागो यही सोच रहा है राइट ठीक है तेरे रास्ते पे आती हूँ पुरानी बातें बोलकर अब कोई फायदा नहीं अब मुझे क्या करना है वो बता तूने जो गलती की है उससे तू कितनी बड़ी आफत में पड़ गई है जानती है मेरी ताकत को जाने बिना मुझसे मत खेल वसंता मेरा नाम लेने की तुझमें कौन सी योग्यता बची है द्रोही
तू देशद्रोही है। प्यार, अपनापन, सब कुछ ये सब भूल सकते हैं, लेकिन एहसान भूलने वाला इंसान ही नहीं होता। पिताजी ने तुझ पर कितना भरोसा रखा था, तूने उनका भी भरोसा तोड़ दिया। ए, तू ऐसा बोल के मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकती। छह, जबान बंद कर। सही में मेरे पिताजी जीनियस हैं। तू बहुत बड़ा घुन्ना है वो बोला करते थे, और वो तूने साबित कर दिया। तेरी माँ तेरे लिए कितना तड़पी है, पिताजी ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुझसे बिछड़ कर एक एक दिन आंसू बहाकर मैं कितना रोई हूँ, और ये सब तेरे लिए जस्ट लाइक दैट हो गया। मेरी हकीकत तू नहीं जानती, और ना ही वो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई खून करने के लिए, और पढ़ने वाले बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना दिया। तुझे दुनिया की दौलत चाहिए, उसके लिए तू मासूमों की जान से खेल रहा है, यही सब तेरे लिए जरूरी है। ए, तुझे ये सब भुगतना पड़ेगा। अरे जिंदगी में भुगतने के लिए और बचा ही क्या है। हाँ, तुझसे बिछड़ कर मैं बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ, और सबसे ज्यादा मेरा अरुण एक क्रिमिनल है। जिस पल मैंने ये जाना मैं तो मर ही गई हूँ। मेरा अरुण जिंदा नहीं है जब सबने कहा, तो मैंने कहा नहीं वो जिंदा होगा, अरुण को कुछ नहीं हुआ होगा, देखना वो मुझे मिलेगा। ऐसा विश्वास जगाया हमारे प्यार ने। इनफैक्ट मैं जो यहाँ पोस्टिंग पर आई हूँ, तुम मिलोगे इसी विश्वास के साथ। लेकिन मेरा अरुण एक क्रिमिनल निकलेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। डिपार्टमेंट के जाने बिना तुझे यहाँ क्यों लेके आई पता है? कि सब कुछ छोड़कर तू सरेंडर कर देगा, तेरी सजा कम होगी, हम साथ में जिएंगे। वैसे भी लड़की को सब स्वार्थी बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी इस यूनिफॉर्म पर अगर दाग भी लगे तो मुझे उसकी भी चिंता नहीं। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ अरुण। हे, ए, ये तो क्या कर रहा है? जब तक ये दुनिया रहेगी मैं तो क्या, वो भगवान भी अगर चाहे तो इस नेटवर्क का कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं रहा तो कोई और होगा, वो भी नहीं रहा तो कोई और होगा। इट्स एन इनविजिबल वर्ल्ड। इस जन्म में अपनी माँ से मिलने की ताकत मुझ में नहीं है। हो सके तो अपने आप को बचा लेना, क्योंकि अब अगर मैं भी चाहूँ तो तुझे नहीं बचा पाऊंगा। हमारा नेटवर्क कहीं भी कुछ भी करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेता है। गुड बाय। यू कमीने। मत, अपना पुलिस का दिमाग मेरे पास मत चलाना। बॉस पकड़ लिया।
मैंने कहा था ना कि अगर मैं भी जाऊं तो तुझे नहीं बचा पाऊंगा। Don't move, Praveen, catch him. आखिर में पैसे और खून खराबी की जुनून में वो पुराना सब कुछ भूल गया है, ये मैं जान गई थी। इसकी ये वैशी दुनिया कोई जाने या ना जाने, पर एक माँ के लिए जानना जरूरी था। वो कितना खतरनाक बन गया है ये जानना जरूरी था, क्योंकि कल अगर उसके साथ कुछ हो गया तो आपकी आंखों से अगर एक बूंद आंसू भी टपका तो इसका कारण वही है, इसका एहसास हो पाए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आई। भगवान ने, काश मुझे अरुण को दिखाया ही ना होता। मेरी किस्मत ही ऐसी है। Proceedings of this case has been kept confidential. The accused is a leader of very big mafia. So, for certain national security and political reasons, kept so. Have there been any threats to the court and police department regarding this arrest? Well, अगर ऐसा कुछ हुआ, तो हम उससे डील करेंगे. Why have you not been allowed to interrogate the accused even though you arrested him? We have no authority as far as interrogation is concerned. हमने तो वही किया है जो हमारे department ने कहा. Do you think there was any honest interrogation in this case? Definitely. And you'll know once the judgment is announced. We have submitted the necessary documents from the government to the court. We are expecting a severe judgment. Police department ne jis mulzim par ilzam lagaya hai uske khilaf koi thos saboot na hone ki wajah se ye adalat use baizzat bari karti hai. Judgment? Yes, बिल्कुल।
अरुण।